जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आज के ब्लॉग के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका प्यारा भाई मोहम्मद यासिन अंसारी। सुफियान अली तो अभी सो रहे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं कि आज मैं ही सुबह के ब्लॉग का आगाज कर दूँ। तो आपसे बात करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं, देखते हैं ये तला भाई आ रहे हैं। सुफियान का ब्लॉग आज बनाएंगे हम। ये तला भाई आ गए, ये हमारे उस्ताद हैं, सेठ हैं, हमारे सब कुछ हैं। ये बाइक अपनी निकालेंगे और इसके बाद ये लाए कपड़े, हम चलेंगे दुकान की तरफ रवान की पड़ रही। सुफियान सो रहा था तो सोचा मैंने आज मैं व्लॉग का आगाज़ कर लूँ, आप लोगों के लिए मैं ही व्लॉग बना लूँ, क्योंकि मैं फारिग था, वांधा आदमी था। और हमसे बड़ा वांधा मिलेगा कहाँ? हमसे बड़ा वांधा मिलेगा क्या उस्ताद? क्या कह रहे हैं उस्ताद, बताना। हम कह रहे हैं हमसे बड़ा वांधा है कहाँ कोई। हाँ, हमने चाय पीने भी देना, 300 का पेट्रोल खर्च करके जाना होता है। देखिए उस्ताद की बात, हमारी ख्वारियत कितनी हुई उस्ताद, गलत बात नहीं बोलते हैं उस्ताद का असूल है। अभी चलते हैं हम, फिर बाकी आपको दिखाते हैं बाद में। ना दर्द कर रहा कान, मेरी जी कोशिश की पर दर्द करने शुरू, बाहर कर दिया जी, मार के जूस में वही पड़ गया। शुक्र कह रहे हैं चाची आ लोग। हुआ इस तरह की, दुकान पे जाने से पहले लेते हैं हम लीमू, तो लीमू लेने के लिए दुकान पे पहुंच गए सब्जी वाले की। उस्ताद आवाज़ लगा रहे हैं कामरान को, बोलिए जो साहब, ये जो सामने बैठा हुआ है ना चाचा हमारा, इसका नाम है दलिया, ये टॉप का बचोदा है, ये माँ चौधर। लीमो ले लिए हैं इस वक्त, फिर रवानगी हो गई है दुकान की तरफ, बच्चों की रोज़ी में जाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। और तला भाई ने निकाल लिए गाड़ी, क्योंकि सब्ज़ी वाला दुकान पर नहीं था, तो चले हम आप बच्चों की रोज़ी में। मेरा व्लॉग छोटा ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का, बड़ा व्लॉग नहीं बनाऊँगा मैं, लेकिन मुख्तसर होगा। इसी तरह थोड़ी सी बातें करेंगे आपके साथ और थोड़ा सा, आप देखते हैं आपको पसंद आता है या नहीं, बहरहाल कोशिश करेंगे। वैसे आप लोगों को पसंद आना होता तो है नहीं, अपनी मर्जी होती है, देखते रहते हैं, नहीं होती नहीं देखते हैं। खैर बहरहाल इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर एक बंदा भी व्लॉग ना देखे, क्योंकि हमें जो शौक है वो तो हमने करना है पूरा। डोलू, डोलू क्या कुछ बोलेगा तू? नहीं बोलेगा डोलू। ये देखे जी, ये वो बंदा है, 50,000 का घपला किया इसने। अभी हंसेगा, क्योंकि 50,000 का क्या मामला था, आज वजात करते सबके सामने। ये गलत फहमी नहीं, माल इसने डब्बा कर लिया, आप हो गई गलत फहमी। भाई किसके ऊपर भेज रहा है देखूं, भाई ये लानत भेज रहा है। व्यूअर ध्यान करना, आपके ऊपर भी कर सकता है, ये बड़ा जलील बंदा है, कैसे कर सकता है डोलू? ये हमारे राहुल भाई वो शख्स हैं, इनके एक वक्त में इतने पर हुआ करते थे, इनकी वाइफ ने ऐसे पर काटे और एक केमिकल की बदौलत काटे, छोटे से सारे पर ही कट गए। पर वो रंग भी होता था, रंग भी होता था, पहले क्रिकेट की तरह बदल दिया इनका रंग। अभी हंसते रहेंगे बस, अब इनकी जिंदगी में सिर्फ मामा मस्ताने की तरह हंसता रह गया, सारी खुशियाँ छीन लिया उनने। और सरफ का बहुत गहरा ताल्लुक है इनकी ज़िंदगी के साथ, भाई इन बदतमीजों से वास्ता पड़ गया है। ये गाली दे रहा था, अभी मैंने इसकी गाली काटी है। तो मोबाइल की किस्तें भर रहे थे, 6 महीने भरी हमने मोबाइल की किस्तें, कितने की 25 किसने ली थी, 25 वाली मैंने, 50,000। गाली क्यों दी थी तूने अभी? इतना भला आदमी, गाली क्यों दी थी अभी? गाली नहीं दी थी। देख लो भाई ये बहुत बदतमीज है, गाली में देता चिचोरापन करता रहता है। देखिए ये उसी 5 लाख में से, 50,000 में से 1,000 का नोट निकाल के राहुल ने दिया इसको। बैंक वाला मैनेजर इतना भला आदमी है, अपने वाह 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 वाह, ये उस्ताद है हमारे, गाली में इस वक्त दिला रहे हैं और हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं। इनके लिए दुल्हन की तलाश है जी, बड़े काबिल बंदे हैं और हर चीज़ में बेहतरीन है। नाम मोहम्मद सलमान अंसारी, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। जो भी दुल्हन इनकी होगी खुश रखेंगे हमेशा हमेशा ही उसको। ये छोले भी हैं और नाश्ता भी बनाने की जरूरत नहीं है, साथ क्या कहते हो, जरूरत है माई को नाश्ता बनाने की? ओ मामा, ये इसकी आ गई है सास। अब बोल क्या कह रहा है, साइकिल वाला पड़ा है, सारी चीज़ें उसी में चला रहा हूं। ये गटप्पा जो है सुबह शाम इसने मेरा लव पी के रखा हुआ है, जब आओ इसके बाद अनोखी बात ही होती है। बताएं बताएं, 100 रुपये जो है ग्राहकों को छोड़ने पड़ रहे हैं सुबह, भाई कल दे देना, भाई कल दे देना, नहीं मिल रहे कहाँ से लाए। यार तुम लोग कितने बदतमीज हो, ये गालियाँ देने से बाज नहीं आओगे, अभी उसका भी ब्लॉग काटा है। सॉरी कर सबसे, सॉरी सॉरी भाई सॉरी। ये इसका मैं इंटरव्यू ले लूँ जी, ये मोहम्मद सलमान भाई है, इनका शेट पड़ रहा है यार, गाली नहीं देनी है। हाँ बताए क्या कह रहे हैं आप, गाली नहीं देनी है? बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये हमारे मामा की थोड़ी तबियत खराब है, लिहाजा
दादा बाबा भोले के लिए दुआ कर दिया। क्या हो गया रिश्तेदार है जरा, कल भी उनका सांस उठा था, निकला था कल तो डायलिसिस होगी और खून की बोतल की जरूरत है। कल मैं भी गया था, थोड़ी खिदमत करके आया हूँ, मामू के पैर में दबा के आया हूँ। मामू पैर दबाते दबाते सो गए, मामू ने बोला ही नहीं बेटा हट जा बस, यही बात दिल में लेके वापस आ गया। वापसी आ गया, मैंने कहा नमाज का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ बस जी। चले जी फिर चलते हैं हम भी, जब ये जा रहा है तो भाई जान के वो लग रही है भूख और गटप्पा खाने में लगा हुआ है। रोटी गटप्पा क्या खा रहे हो? मुर्गी है नहीं या दाल है? ये आपने गटप्पा को देखा, गटप्पा खाना खा रहा है। तो इसी के साथ विरोध का करते हैं इख्तिताम, क्योंकि शादी भरने आ गया पानी और अब हम करते हैं काम की तरफ जाते हैं। मुदाफिर।